हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके सी प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंटर। देखिए, पॉइंटर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ए पॉइंटर। जब हम पॉइंटर की बात करते हैं, फर्स्ट वी राइट पॉइंटर्स, ठीक है। पॉइंटर क्या होते हैं कि ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट्स द लोकेशन रादर देन द वैल्यू ऑफ ए डेटा आइटम। यानी पॉइंटर वो वेरिएबल होते हैं जो किसी भी, पॉइंटर क्या होते हैं, पॉइंटर वो वेरिएबल होते हैं जो किसी भी डाटा आइटम का लोकेशन बताते हैं। डाटा आइटम का लोकेशन, मेमोरी में उसकी लोकेशन क्या है वो बताते हैं, रादर देन इट्स वैल्यू, रादर देन इट्स वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि सच एज ए वेरिएबल और एन एरे एलिमेंट्स। तो डाटा आइटम कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका वेरिएबल हो चाहे एरे एलिमेंट हो। पॉइंटर्स आर यूज फ्रिक्वेंटली इन सी एज दे हैव ए नंबर ऑफ यूजफुल एप्लीकेशन। तो पॉइंटर्स का सी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशंस है। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंटर्स कैन बी यूज टू पास इंफॉर्मेशन बैक एंड फोर्थ बिटवीन ए फंक्शन एंड इट्स रेफरेंस पॉइंट। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम सी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो पॉइंटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, जब किसी फंक्शन और उसका जो रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से उसको कॉल किया जा रहा है, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो जब किसी वैल्यू को आपको रेफरेंस पॉइंट और फंक्शन के बीच में कई बार ट्रांसफ़र करना हो, ठीक है, बैक एंड फोर्थ, उसके लिए पॉइंटर्स का यूज़ किया जाता है। इन पर्टिकुलर पॉइंटर्स प्रोवाइड ए वे टू रिटर्न मल्टीपल डेटा आइटम्स फ्रॉम ए फंक्शन वाया फंक्शन आर्गुमेंट्स। और पॉइंटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा आइटम्स को हम रिटर्न कर सकते हैं फ्रॉम ए फंक्शन वाया फंक्शन आर्गुमेंट्स। पॉइंटर्स आर ऑल्सो परमिट रेफरेंसेस टू अदर फंक्शंस टू बी स्पेसिफाइड एज आर्गुमेंट्स टू ए गिवन फंक्शन। मतलब पॉइंटर ये भी परमिशन देते हैं कि इट परमिट रेफरेंसेस टू अदर फंक्शंस टू बी स्पेसिफाइड एज आर्गुमेंट्स टू ए गिवन फंक्शन एंड दिस हैज द इफेक्ट ऑफ पासिंग फंक्शन एज आर्गुमेंट्स टू द गिवन फंक्शन। तो ये यूज होता है पॉइंटर्स का। इसके अलावा पॉइंटर्स आर ऑल्सो क्लोजली एसोसिएटेड विद एरेज एंड देयर फोर प्रोवाइड एन अल्टरनेट वे टू एक्सेस इंडिविजुअल एरे एलिमेंट। मतलब पॉइंटर्स का जो है, पॉइंटर्स का एरे में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है और इसमें एरे के एलिमेंट को, एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट को रेफरेंस करने के लिए भी पॉइंटर्स का इस्तेमाल होता है। और मोरोवर, पॉइंटर्स प्रोवाइड ए कन्वीनियंट वे टू रिप्रेजेंट मल्टी डायमेंशनल एरे, अलाउइंग ए सिंगल डायमेंशनल एरे टू बी रिप्लेस बाई ए लोअर डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंटर्स, ठीक है। और इस फीचर से फायदा क्या होता है कि दिस फीचर परमिट्स ए ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स टू बी रिप्रेजेंटेड विद इन ए सिंगल एरे दो द इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स में डिफर इन लेंथ। तो ये सारे यूज होते हैं पॉइंटर्स के, इसीलिए पॉइंटर्स को बहुत ही यूजफुल देखा गया है या इसका बहुत ही जगह इस्तेमाल होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। अब इसके हम फंडामेंटल्स की बात करें कि इसको और हम बेसिक कॉन्सेप्ट अगर इसका समझना चाहे पॉइंटर्स का, तो नाउ वी राइट फंडामेंटल, फंडामेंटल्स ऑफ पॉइंटर। तो देखिए, पॉइंटर्स के फंडामेंटल की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी वेरिएबल है वी, मान लीजिए सपोज वी इज ए वेरिएबल, वी इज ए वेरिएबल, तो क्या होगा। और ये वेरिएबल क्या करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी डेटा आइटम दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी।
The compiler will automatically assign memory cells for this data item. The data item can then be accessed if we know the location of the first memory cell. मतलब कि किसी भी डेटा आइटम को जब आप स्टोर करते हैं मेमोरी में, तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसको असाइन करता है मेमोरी सेल को, और उस डेटा आइटम को हम एक्सेस कर सकते हैं अगर हमें लोकेशन मालूम हो पहले मेमोरी सेल की, ठीक है, क्योंकि पहले की मालूम होगी तो उसके बाद जो जो डेटा आइटम्स रहते हैं वो कंसिक्यूटिव सेल्स में स्टोर रहते हैं. तो द एड्रेस ऑफ वी मेमोरी लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द एक्सप्रेशन एम्परसेंट वी, वेयर एम्परसेंट इज ए यूनरी ऑपरेटर कॉल द एड्रेस ऑपरेटर दैट इवेलुएट्स द एड्रेस ऑफ इट्स ऑपरेंड. मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमने कहा लेट अस असाइन द एड्रेस ऑफ वी टू अनदर वेरिएबल पी वी, देन तो मान लीजिए वी कोई वेरिएबल है, इसका एड्रेस क्या हुआ, इसका एड्रेस हुआ एम्परसेंट वी, दिस इज द एड्रेस ऑफ वेरिएबल वी. तो अब इसके एड्रेस को अगर हम कोई और वेरिएबल को असाइन कर दें, मान लीजिए पी वी को, तो पी वी इज इक्वल टू हो गया एम्परसेंट वी. ठीक, अब इसको डायग्राम से अगर इस रिलेशन को आप दिखाना चाहें, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा एड्रेस ऑफ वी, ये आपने लिखा एड्रेस ऑफ वी, और इससे रिलेट किया आपने किससे, वैल्यू ऑफ वी को, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया वैल्यू ऑफ वी, तो ये हो गया वी आपका और ये हो गया एड्रेस ऑफ वी, मतलब पी वी आपने लिख दिया. क्लियर? तो द डेटा आइटम रिप्रेजेंटेड बाय वी कैन बी एक्सेस्ड बाय द एक्सप्रेशन स्टार पी वी. तो अब इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो इसको आप एक्सेस कर सकते हैं किससे, आप ऐसे स्टार पी वी लिखेंगे, ये जहां पे ये जो एस्टरिस्क साइन बनाया हमने, ये क्या है, दिस इज ए यूनेरी ऑपरेटर, और इसको कहते क्या है, यूनेरी ऑपरेटर है, इसको कहते हैं इन डायरेक्शन ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड इन डायरेक्शन ऑपरेटर. ऐसे यहाँ पे जो हमने एम्परसेंट यूज किया था ये वाला, इस एम्परसेंट को बोलते हैं यूनेरी ऑपरेटर, और इसको इसको कहा क्या जाता है, इट इज कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर. ठीक है, तो ये यूज होता है पॉइंटर का. अब इसमें जो इनडायरेक्शन इनडायरेक्शन ऑपरेटर होते हैं, दैट ऑपरेट्स ओनली ऑन ए पॉइंटर वेरिएबल, देयर फोर स्टार पी वी एंड वी बोथ रिप्रेजेंट द सेम डेटा आइटम. यानी कि एक तरह से चाहे आपने स्टार पी वी लिखा या आपने वी लिखा, ये दोनों एक ही चीज रिप्रेजेंट करते हैं. और क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं द कॉन्टेंट ऑफ सेम मेमोरी सेल, सेम मेमोरी सेल. ठीक है, चाहे आप वी लिखिए चाहे आप स्टार पी वी लिखिए, दोनों एक ही चीज है. अब इसके बाद अगर मान लीजिए हम ये लिखते हैं पी वी इक्वल टू एम्परसेंट वी एंड यू इक्वल टू स्टार पी वी, देन यू एंड वी विल बोथ रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू. मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमने कहा कि लेट पी वी इक्वल टू एम्परसेंट वी, ठीक, और आपने लिखा यू इज इक्वल टू स्टार ऑफ पी वी, तो स्टार ऑफ पी वी क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसकी वैल्यू को, ठीक है, और पी वी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेटा वैल्यू को, और ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटा वैल्यू को. यानी एक तरह से जो यू एंड वी विल बोथ रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ वी विल इनडायरेक्टली बी असाइन टू यू. ये यूज होता है पॉइंटर का. अब मान लीजिए इसको हम एक आपको प्रोग्राम बना के दिखाएं, तो हमने कहा कि मान लीजिए राइट ए सिंपल प्रोग्राम दैट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटीजर वेरिएबल,
दियर करस्पॉन्डिंग एड्रेसेस एंड दियर एसोसिएटेड पॉइंटर्स। मान लीजिए हमने आपको क्वेश्चन दिया कि से राइट ए प्रोग्राम दैट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटीजर वेरिएबल दियर करस्पॉन्डिंग एड्रेस एंड दियर एसोसिएटेड पॉइंटर्स। इसका हमें प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मान लीजिए हमने ये इंक्लूड किया, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक। उसके बाद यहाँ से हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया, फिर हमने यहाँ मान लीजिए डिक्लेयर किया इंटीजर u इक्वल टू 3, फिर दूसरा वेरिएबल लिया इंटीजर v, फिर हमने कहा पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हमने कहा इंटीजर पॉइंटर ऑफ pu, और फिर यहां हमने डिक्लेयर किया इंटीजर पॉइंटर ऑफ वी, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये हो गया पॉइंटर टू एन इंटीजर, ये क्या हो गया, ये हो गया पॉइंटर टू एन इंटीजर, ठीक। और ये हो गया आपका पॉइंटर टू एन इंटीजर, ये भी हो गया पॉइंटर टू एन इंटीजर, ठीक है। ये हमने पॉइंटर वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए हमने लिखा पी यू इक्वल टू क्या हो गया, एड्रेस ऑफ वी, है ना। इसका मतलब हो गया कि या पी यू इक्वल टू हमने लिखा एड्रेस ऑफ यू, इसका मतलब क्या हुआ कि असाइन एड्रेस ऑफ यू, असाइन एड्रेस ऑफ यू टू पी यू, यू का जो एड्रेस है वो पी यू में डाल दिया। फिर ऐसे हमने लिखा वी इक्वल टू पी यू, इसका मतलब क्या हुआ, असाइन वैल्यू ऑफ यू टू वी, असाइन वैल्यू ऑफ यू टू वी, इसको असाइन कर दिया। फिर हमने लिखा पी वी इक्वल टू एम्परसेंट वी, इसका मतलब क्या हुआ, असाइन एड्रेस ऑफ वी टू पी वी, असाइन एड्रेस ऑफ वी टू पी वी, ये हो गया। अब यहाँ पे हम प्रिंट एफ जब करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने कहा प्रिंट एफ, ठीक है, स्लैश एन यू इक्वल टू परसेंटेज डी, फिर एड्रेस ऑफ यू इक्वल टू आ गया आपका परसेंटेज एक्स, फिर आ गया आपका एस्ट्रिस पी यू इक्वल टू परसेंटेज डी कोट्स क्लोज्ड कॉमा, यहाँ पे यू की वैल्यू, फिर एड्रेस ऑफ यू की वैल्यू, फिर पी यू की वैल्यू, और फिर
स्टार पीयू की वैल्यू, ये चारों वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है, एक दो तीन चार, ठीक। और फिर हमने यहाँ प्रिंट एफ किया, स्लैश एन स्लैश एन, वी इक्वल टू परसेंटेज डी, फिर एम परसेंट यू, सॉरी एम परसेंट वी इक्वल टू परसेंटेज एक्स, फिर हो गया पी वी इक्वल टू एक्स, और फिर स्टार पी वी, स्टार पी वी इक्वल टू परसेंटेज डी, एक दो तीन चार, ये हो, फिर यहाँ पे कोट्स क्लोज्ड कॉमा वी कॉमा एम परसेंट वी कॉमा पी वी और कॉमा स्टार पी वी, ये आया। अब इसमें देखिए, इस वाली लाइन में एक दो तीन तीन, यहाँ चार चीजें एक मिसिंग, और क्या हो रहा है, परसेंटेज यू यू इक्वल टू परसेंटेज डी हो गया, एम परसेंट यू इक्वल टू एम पर ये परसेंटेज एक्स हो गया, स्टार पी यू इक्वल टू परसेंटेज डी, स्टार पी यू इक्वल टू परसेंटेज डी, और पी यू इक्वल टू परसेंटेज एक्स। तो इसमें एक यहाँ पे मान लीजिए, इसको हम फिर से लिख देते हैं, एक चीज यहाँ मिस हो गई थी, यहाँ पे ये आएगा पी यू इक्वल टू परसेंटेज एक्स, और फिर आएगा स्टार पी यू इक्वल टू परसेंटेज डी। अब सही हुआ, एक दो तीन चार, अब ये वैल्यूज जो है करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। तो जब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, पी यू इज ए पॉइंटर टू यू एंड पी वी इज ए पॉइंटर टू वी, देयर फोर पी यू रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ यू एंड पी वी रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ वी, ठीक। तो एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम रिजल्ट इन द फॉलोइंग आउटपुट, तो अब जो आउटपुट मिलेगा इस प्रोग्राम का वो आपको इस तरह मिलेगा, यू इक्वल टू, तो यू में वैल्यू क्या है, तीन, ये आएगा, फिर एड्रेस ऑफ यू, ये वाला देखिए, तो ये आ जाएगा आपका जो भी एड्रेस होगा, मान लीजिए हमने कहा एफ एट ई, ये एड्रेस आ गया, फिर हमने कहा पी यू क्या दिखाएगा, फिर से एड्रेस दिखाएगा, तो पी यू में फिर आपका आ गया एफ एट ई, और स्टार पी यू क्या दिखाएगा, वैल्यू दिखाएगा, तो फिर से ये आ गया थ्री। अब इसमें देखिए, अभी दिखाते ही दोनों चीजें एक हो गई, फिर ऐसे वी में क्या है, वी में है थ्री, फिर यहाँ पे हमने कहा कि एड्रेस ऑफ वी, तो मान लीजिए ये आ गया आपका एफ एट सी, फिर हमने कहा पी वी इक्वल टू एफ एट सी, और फिर स्टार पी वी इक्वल टू थ्री, यानी अब इन दोनों में आप देखिए, तो जब इन दोनों में आप कंपेयर करेंगे तो देखिए ये क्या है, यू में जो वैल्यू है ये यू की वैल्यू दिखा रहा है, ये भी यू की वैल्यू दिखा रहा है, ठीक। ऐसे ही एम परसेंट यू एड्रेस दिखा रहा है और पी यू भी एड्रेस दिखा रहा है, यही चीज यहाँ पे है, ये वी की वैल्यू दिखा रहा है, ये भी वी की वैल्यू दिखा रहा है, और ये वी का एड्रेस दिखा रहा है, ये भी वी का एड्रेस दिखा रहा है, ठीक। तो जब भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा। अब इसमें एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि इन द फर्स्ट लाइन वी सी दैट यू रिप्रेजेंट द वैल्यू थ्री एज स्पेसिफाइड इन द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, यहाँ पे आप देखिए जो डिक्लेरेशन में आपने यू को तीन डिक्लेयर किया हुआ है वो वैल्यू दिखा रहा है। द एड्रेस ऑफ यू इज डिटरमाइंड ऑटोमेटिकली बाई द कंपाइलर एज एफ एट ई, तो ये एड्रेस जो है कंपाइलर अपने आप इसको डिटरमाइन करेगा हेक्साडेसिमल में। द पॉइंटर पी यू इज असाइंड टू दिस वैल्यू, हेंस पी यू ऑल्सो रिप्रेजेंट द सेम एड्रेस एफ एट ई। फाइनली द वैल्यू टू विच पी यू पॉइंट्स इज थ्री एज एक्सपेक्टेड। इसी तरह सेकेंड लाइन में देखिए,
सेकेंड लाइन में क्या है कि द सेकेंड लाइन शोज दैट वी ऑल्सो रिप्रेजेंट द वैल्यू 3, दिस इज एक्सपेक्टेड सिंस वी हैव असाइंड द स्टार PU टू V। यहाँ पे हमने स्टार PU को V असाइन किया है, तो यानी कि यहाँ पे U में जो वैल्यू थी वो V में चली गई तो 3 आ गया। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा कि द एड्रेस ऑफ V एंड हेंस द वैल्यू ऑफ PV इज F8C। ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि देखिए U और V के जो एड्रेस हैं वो डिफरेंट है, दे आर डिफरेंट, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। और फाइनली हमारे पास वी सी दैट द वैल्यू टू विच PV पॉइंट्स इज 3, तो PV जिस वैल्यू को दिखा रहा वो फिर से 3 आ गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस रिलेशनशिप को मान लीजिए आप डायग्राम से दिखाना चाहें तो देखिए डायग्राम से ही रिलेशनशिप इस तरह आएगा आपका। मान लीजिए आपने ये दिखाया, ठीक है, और ये हो गया। ऐसे नीचे आप दिखाएंगे तो मान लीजिए हमने एक ब्लॉक और बना लिया, और दूसरा ब्लॉक ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया एड्रेस ऑफ EC7, ये कितना हो गया F8E, यानी ये हो गया PU, U का एड्रेस। फिर हमने कहा एड्रेस ऑफ F8E, ये क्या हो गया 3, यानी ये U की वैल्यू दिखा रहा है। ऐसे V में आ जाइए तो ये हो गया EC5 एड्रेस EC5, ये हो गया F8C, ये हो गया PV, और ये हो गई वैल्यू 3, ये हो गया V, इसको आप लिख सकते हैं एड्रेस F8C। तो इस तरह से आप रिलेशनशिप शो कर सकते हैं बिटवीन PU एंड U। ये देखिए ये रिलेशनशिप हो गया PU और U में, और ये रिलेशनशिप हो गया PV और V में। इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि दैट द मेमोरी लोकेशन ऑफ द पॉइंटर अवेलेबल दैट इज एड्रेस EC7 फॉर PU, यानी ये जो एड्रेस आपने दिखाया है EC7 फॉर PU, ये जो दिखाया है आपने, या EC5 फॉर PV, ये जो एड्रेस आपने दिखाया है, दे आर नॉट डिस्प्लेड बाय द प्रोग्राम। ये जो EC7 और EC5 जो एड्रेस लोकेशन है ये प्रोग्राम में डिस्प्ले नहीं होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर। अब नेक्स्ट कमिंग वीडियोज में हम इसमें और चीजें अभी बेसिक्स की डिस्कस करेंगे, उसके बाद पॉइंटर का यूज करना शुरू करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।